हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय ट्यूशन पिक स्टडी 22 में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आर्ट्स हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो यूनिट 4 है, यूनिट 3 हो गया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, यूनिट 3 तक अपलोड कर दिया हूँ, आज यूनिट 4 करा रही हूँ। तो इसमें चैप्टर हैं बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। तो पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे प्रमुख पशु है जो गाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। 8 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभी निष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजसी संरक्षण की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य कुल से। 60 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। 20 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4थी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में।
24 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। 27 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित दशराज गया युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्युषण नदी के किनारे। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद है जो सबसे पुराना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज था तो कैसा समाज था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पितृसत्तात्मक। वेद का अर्थ है, वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे तो कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दार्शनिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशिया महानर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राग मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शशांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋजु पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता थी तो क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण, जो कि गांव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए।